हाय गाइस, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज मैंने आपके लिए क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड पे आधारित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके यूपी बोर्ड 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर लड़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेशन अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? जीएल फ्यूएंट्स, जेके रोलिंग, विलियम शेक्सपियर, एनी फ्रैंक। जीएल फ्यूएंट्स आप इसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर से कितना रुपया डिमांड किया? 70 पेसोस, 100 पेसोस, 30 पेसोस, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 100 पेसोस उसने डिमांडेड किया था ईश्वर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश कलेक्टेड 70 पेसोस फॉर लेंचो, यानी 70 पेसोस लेंचो ने प्राप्त किया पोस्टमैन से, मैनेजर से, पोस्टमास्टर से, नॉट यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टमास्टर से उसने 70 पेसोस प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे की गणना किया जो पोस्टमास्टर ने दिया था, तो उसने कैसा महसूस किया? ग्रेटफुल, रिलाइव्ड, जॉयफुल, एंगर। तो क्या फील करता है? एंग्री यानी कि वह दुखी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द पोस्टमास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, उसने कैसे लेंचो की मदद किया? पीपुल्स कोऑपरेशन, पीपुल्स गुडविल, हिज एम्प्लॉयज हेल्प, मनी। तो किसे यानी कि उसने मनी से उसकी मदद किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ था? इन अ सिटी, टॉप ऑफ प्लेटू, टॉप ऑफ हिल, बॉटम ऑफ द हिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टॉप ऑफ हिल पे उसका घर कहाँ था? टॉप ऑफ हिल पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, जो खेत था वह दिखा जैसे वो ढका हुआ था, सुगर की तरह, आइस की तरह, लोकट्स की तरह, साल्ट की तरह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि साल्ट यानी कि नमक की तरह, जो हेल स्टॉर्म होती है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो पूरा फसल कैसा दिखाई देता? साल्ट की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी उसने लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो कार्यकर्ता मजदूर थे या उसमें जो काम करने वाले थे पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे उनके बारे में लेंचो ने क्या सोचा? प्राउड किया, साल्ट, बंच ऑफ क्रुक्स, अनहेल्पफुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसने बंच ऑफ क्रूस कहा यानी कि बेईमान। उसको क्या कहा यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूस कहा यानी कि बेईमान कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, यानी जो बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे बारिश के, उससे कंपेयर लेंचो ने किससे किया? सिल्वर क्वाइन से किया, डायमंड से किया, पर्ल से किया, न्यू क्वाइन से किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा न्यू क्वाइन से। किससे किया? न्यू क्वाइन से कंपेयर किया। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, जैसे कि ये पत्र लिखता है ईश्वर के पास, जब इसके फसल पूरे बर्बाद हो गए होते हैं तो उसका उम्मीद किसी से नहीं रहता है पूरी दुनिया में, तो बस इसी से उम्मीद रहता है ईश्वर से। तो बोलता है कि अब मैं ईश्वर से कैसे मांगूं, तो इतना तो पढ़ा लिखा था, ये उसने लेटर लिखता है सीधे ईश्वर के पास और ले जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला रहता है, उसके चिट्ठी को पढ़ता है तो हंसता है, तो इसका दिल पिघलता है। तो फिर ये कहता है कि इसने 100 पेसोस पैसा जो मांगा है, तो हम ही लोग कुछ उसमें से क्या करें, नहीं 100 पेसोस हो पाएगा, कम से कम कुछ तो पैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो जितने भी उसमें कर्मचारी थे काम करने वाले, उन्होंने पैसे को कलेक्ट करते हैं और 70 पेसोस तक ही कलेक्ट कर पाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी पोस्ट मास्टर ने कितने पेसोस को उसने जोड़ने के लिए यानी कि इकट्ठे करने के लिए सक्षम हुआ? 70 पेसोस, 100 पेसोस, 30 पेसोस, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसने कितने पैसे कलेक्ट कर पाए? सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए और लेंचो को डिमांड था कितना? 100 पेसोस का। व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि उसके भलाई के लिए इंक से और पेपर से जो काम किया उस पर लिखने के लिए, उसका जवाब लेने के लिए, ठीक है, उसकी कैसे अच्छे से फसल का भरपाई होगा, तो उसने क्या किया? पहले तो आता लॉस्ट क्रॉप, जो खोया हुआ अनाज था, गॉड्स सिग्नेचर, ईश्वर का
हस्ताक्षर, मनी, न्यू सीड्स और नए बीजों को लेकर के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मनी। किसे? मनी से ही जो चीजें थी उसकी गुडविल हो पाता है, यानी कि गुडविल इनके होने के लिए पेपर और इंक से जो काम करता है, कामना करता है कि हमको 100 पैसा से अगर हमको पैसा मिल जाएगा तो हमारी पूरे साल हम लोग, हमारा परिवार खा लेगा आराम से जो भी फसल बर्बाद हुआ है। लेकिन इसको मिलता सिर्फ कितने हैं? 70 पैसा। तो मनी ही इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उतनी समय निभाती। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, यानी लेंचो ने कंपेयर किया वो बर्बाद हो चुके थे जो फसल थे किससे? अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्राउज, प्लेग ऑफ लोकट्स, नन ऑफ दीज। यानी कि चूहों के प्रहार से, गायों के प्रहार से, जो टिड्डियों का दल था उससे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी प्लेग ऑफ लोकट्स से क्या हो चुका था, इसका जो भी फसल था सब बर्बाद हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, जब उसने लेटर को प्राप्त किया, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने क्या महसूस किया? कंटेंडेड, ओवरहेल्म्ड, प्राउड, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंटेंडेड, यानी कि तर्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचेज फील्ड, यानी लेंचो के खेत में किस फसल की उपज हो रही थी? कॉर्न, राइस, बार्ली, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न। किसकी? अनाज, यानी कि कॉर्न की खेती हो रही थी। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, यानी लेंचो का जो फसल या भूमि कैसे बर्बाद हुआ? हैवी रेनफॉल से, लैंडस्लाइड से, हेल स्टॉर्म से, फ्लड से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेल स्टॉर्म से, यानी कि ओले गिरने से। What did Lencho hope for? Lencho ने क्या आशा किया था? A good shower of rain for his crop. एक बहुत अच्छा बारिश होगा उसके फसल के लिए। A new motorcycle, a tractor के लिए, none of these. इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? A good shower of rain for his crop. मौसम घेरता है तो बादलों में देख करके बहुत खुशी होती है कि अब जो बारिश होगी फसल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो क्या होता है? हेल स्टॉर्म गिरता, बड़े बड़े ओले गिरते, पत्थर गिरता है, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों था ऑन सीइंग न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, क्या एक नए ट्रैक्टर को देख करके अपने खेत में, ऑन सीइंग न्यू बुफेलो एक नई भैंस को देख करके, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, एक कच्चे यानी कि राइप मीन्स होता है कच्चे अनाज को जो फूलों के साथ है उनको देख करके कि नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को मनी की यानी रुपये की जरूरत क्यों थी? टू बाई अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाई अ न्यू फोन, टू बाई अ बुफेलो। तो यानी क्या, यानी कि जो पैसा जो मांगा था 100 पैसा, जिससे क्या कर सके? अपने परिवार को भूखमरी से बचा सके। हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो, लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा? हिज वाइफ, पोस्ट मास्टर, वन ऑफ द फार्मर, द गॉड, पोस्ट मास्टर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट मास्टर ने ही पढ़ा। आज का आखिरी क्वेश्चन, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो आपके घर में या जो आपके जानने पहचानने वाले हैं उनके पास ये लिंक, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास जरूर भेजिए, क्योंकि यहाँ से 5-6 नंबर जो है उनका यूपी बोर्ड में 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, यानी आयरनी क्या है इसमें, यानी विसंगतियाँ क्या है इस पत्र लेसन में? लेंचो वॉज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन ऑफ वेटिंग फॉर अ शावर, लेंचो दुख था, दुखी हो गया जब हेल स्टॉर्म गिरता है, इवन दो ही वॉज वन ऑफ द वेटिंग फॉर शावर, जबकि वह क्या कर रहा था? बड़े बारिश होने की कामना कर रहा था। पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो पर हंसा, बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, लेकिन किसी तरह उसने मदद किया पैसे जुटाने के लिए लेंचो के लिए। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम, और उसने क्या किया, लेंचो ने उन पे दोष सिद्ध किया कि वो लोग पैसे चुरा लिए। देयर इज नो आयरनी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका।
लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अंत तक जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।